क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया कासू साहब आप? ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में इस बार शायद तारती बेनिफिशियरी तारती जैसे बेनिफिशियरी तारती आया है तो उसमें जो है पाइन एप्पल दिया, तांबूल दिया, बनाना दिया, ऐसे करके काफ़ी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो भी आया है उनका साथ प्लास थार जो बागान में टेंशन बांधता है सीएम साहब का एक स्कीम है, उसी स्कीम का थ्रू आज जो है सिर्फ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बोल के बारे में कम से कम शायद समथिंग 200 बेनिफिशियरी था। तो मेरे यहाँ जो है क्योंकि कैपिटल का बीचों बीच में होने का बजाय बहुत से गांव हैं, लेकिन उसमें जो बागान करने वाला जो है बहुत लोग कम है, कभी भी अपने हिसाब में करता है, लेकिन इस बार जो है बेनिफिशियरी जो है हमारा यहाँ कम मतलब तारती जैसे आया है, तो जो इस साल में जो नहीं मिला है लास्ट आने वाला ईयर में मिलेगा। तो मेरा वही है कि क्योंकि हम लोग को गांव वाला को तो जाते जाते जिसका ज़मीन है हम बागान अच्छा से बागान करें और उसमें हर फल जो है हम लोग बाहर से नहीं ला कर, बाकी जो है हम लोग दूसरा स्टेट में सप्लाई नहीं कर पाने से भी अपना गांव में अपना जो कैपिटल सामने है उसमें तो हम लोग बिक्री करके कम से कम गांव वाला भी चल सकता है, जो खेत करता है वो भी चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा गांव वाला जो है। इसलिए हम गांव वाला को सभी को अपील कर रहा हूँ, आप लोग जो है मन लगा के कीजिए, क्योंकि जहाँ तक जहाँ गांव वाला नहीं होगा, किसान नहीं होगा, खाने पीने का तो हम लोग जो है बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। लेकिन बाहर से मंगाने से आजकल मीडिया बोलता है कि इसमें भी मेडिसिन डाला, उनमें भी मेडिसिन डाला, तो कभी कभी हम लोग देखता है लेकिन खाने में डर भी लगता है। लेकिन यहाँ से अपना यहाँ से अगर जितना भी आएगा, चाहे वो देखने में सुंदरता नहीं होने की फल वो मतलब अपना यहाँ की एकदम ताज़ा सामान होगा खाने पीने में, उसमें शरीर का कोई हानिकारक नहीं होगा। तो इसलिए गांव वाला को थोड़ा से पित पेक बराबर अगर सरकार भी और हम सभी डिपार्टमेंट मिलकर अगर देगा तो गांव वाला और काम करने में सक्षम होगा, और आने वाला दिनों में एक दो अगर मैक्सिमम अरुणाचल में तो आप बागान तो काफ़ी, और इस बार इलायची में अरुणाचल में मैक्सिमम इलायची बागान का तो उन्होंने किया है, लेकिन इसमें इलायची बागान में इस बार काफ़ी बीमार हुआ, इलायची सूख गया। तो इसीलिए इसी को भी हम जो सरकार को अपील करता है कि जहाँ जहाँ इलायची का जो बीमार हो गया उनको उनका जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी उनको ऑफिसर को टीम को भेज के चेक करने देना है, उनका कारण रीजन क्या है पता लगा के जो खेत करने वाला लोग को उनको भी सहायता देने से ठीक है, क्योंकि उन लोग जो है 10-12 साल से उसी पे निर्भर था कि उन लोग वहाँ से इलायची से निकाल के बिक्री करके अपना बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर रहा था। अभी अचानक ये बीमार होने का बाद उन लोग का हालत बहुत खराब है, तो इसीलिए सरकार इसको भी ध्यान देने से ठीक है। मैं इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अभी आपका जो कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो ज्यूरिडिक्शन में है क्या क्या ये फार्मर्स लोग को खास करके हॉर्टिकल्चर में सेक्टर में आप मदद कर रहे हैं डिपार्टमेंट से? तो इस बार हमारा एक प्रोग्राम था जो MLA सर ने बताया, CMK SY चीफ मिनिस्टर कृषि सशक्त योजना बोल के एक स्टेट फंडिंग है। तो इस बार हमारा पप्पू पारे को ऑलमोस्ट सर ने MLA सर ने बताया 200 यूनिट जैसा दिया है, तो उसमें मोस्टली हमारा लास्ट कार्डामम है क्रॉप जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, लास्ट कार्डामम है, ऑरेंज है, बनाना है, पाइन एप्पल है, और एक नया प्रोग्राम एरेकानट कम ब्लैक पेपर बोल के ये कंबाइंड है एरेकानट के साथ ब्लैक पेपर लगाने के लिए ये प्रोग्राम दिया है। और इस बार हम जो देखा है बहुत अच्छा से गवर्नमेंट जो फंडिंग दिया है, जो हमारा जो स्पेशली फार्मर जो हमको बारबेड वेयर बहुत डिमांड करता था,
इस बार बारबेड वेयर का सुविधा दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये बहुत हमारा स्टेट गवर्नमेंट को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि ये अच्छा प्रोग्राम है। पहले हम लोग प्रोग्राम देता था लेकिन उसमें बारबेड वेयर नहीं देता था, इस वजह से जो गार्डन हमारा अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाता था। हमारा यहाँ स्ट्रे एनिमल स्पेशली जो मिथुन बोलता है वो जंगल में आप गार्डन करने से बिना फेंसिंग से नहीं सकता है, तो इसीलिए इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने फेंसिंग दिया है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा बोल के मैं सोचता हूँ।